नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पद परिचय। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनमें सामान्यतया पद परिचय में केवल संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण यानी कि जो उनके भाग होते हैं उन्हीं का विवरण दिया जाता है। ये करके नहीं दिखाया जाता कि किसी पद का परिचय हम देंगे कैसे। तो आइए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले ये समझते हैं कि पद परिचय होता क्या है। पद परिचय से आशय होता है किसी पद का व्याकरणिक परिचय, यानी कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। तब वह उस पद में कौन कौन सी व्याकरण की कोटियां हैं, अर्थात वह पद किस तरह का शब्द है, संज्ञा है अथवा सर्वनाम है, क्रिया विशेषण अव्यय, इनमें से किसी प्रकार का भेद है, कौन से लिंग का है, वचन कौन सा है और उसमें कोई कारक प्रयुक्त हुआ है, तो वह बताते हैं। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि व्याकरणिक परिचय लिखा कैसे जाता है, जिससे कि जब ये हम और आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों को और अधिक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, तो सबसे पहले हम एक वाक्य लिखते हैं कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, ये एक वाक्य है। जब पेपर में प्रश्न आता है तो उसमें किसी न किसी शब्द के नीचे एक रेखा खींची होती है, जैसे राम के नीचे हमने रेखा खींच दी। इसका मतलब है कि हमें राम शब्द का पद परिचय देना है। तो कैसे लिखेंगे? उत्तर, राम। अब ये देखेंगे कि राम शब्द इनमें से कौन से प्रकार में आता है। ये जो ऊपर पांच दिए हैं, एक से लेकर के पांच तक, इनमें से किस प्रकार का है। तो राम शब्द किसी का नाम है और नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसलिए ये सबसे पहले लिखेंगे हम संज्ञा। फिर संज्ञा का भेद बताएंगे कि ये किस भेद के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति विशेष का नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये पांच में से हमने एक कर लिया यहां तक। अब हम इसमें देखेंगे कि नीचे के तीन, इसमें लिंग कौन सा है। राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, हिंदी में दो लिंग होते हैं, तो राम कैसा है, पुल्लिंग है। राम पुल्लिंग है। अब राम यहां पर वचन कौन सा है, एक वचन या बहुवचन, तो कितने राम हैं, एक राम है इसलिए एक वचन। अब इसमें कोई कारक है, यानी यदि शब्द के साथ ने लगा है या प्रथमा विभक्ति में है तो वो कौन सा होता है, कर्ता कारक, तो यहां राम कर्ता कारक में है, कर्ता कारक। ये इस राम शब्द का पद परिचय है इस तरह से। जब आप अन्य प्रकार के वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। तो हमें क्या करना है कि एक से लेकर के जो पांच हैं, हमें इन पांचों में से उस शब्द का कोई भेद बताना है कि वो शब्द इनमें से किस श्रेणी में आता है। इनके बताने के बाद हम नंबर छः लेंगे कि उसका लिंग क्या है, फिर नंबर सात लेंगे कि उसका वचन क्या है, फिर नंबर आठ लेंगे कि उसमें कौन सा कारक है। यदि क्रिया है तो उस क्रिया में काल भी होता है,
तो क्रिया जब कोई आएगी तो हम उसके नंबर नौ लेंगे काल। अब हम खाना, इस पर भी अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं इसको। तो देखिए नंबर ये राम हो गया, अब यहां खाना। इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। खासकर इस तरह के प्रश्न दसवीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड में है, ये टॉपिक है पद परिचय। तो बच्चों को इसमें बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पद परिचय करने से पहले उनको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, संज्ञा से लेकर के काल तक। तो एक बड़ा लंबा टॉपिक हो गया ये। तो पहले ये सारी चीज़ें जब याद हो पाएंगी तभी वो उन पद परिचय को हल कर पाएगा। यदि ये चीज़ याद नहीं है तो उनको गलत कर देगा। लेकिन हमें नंबर लाने के लिए खास बात यह है कि यदि आपने जैसे राम का पद परिचय आप देना चाह रहे हैं, यदि आपने संज्ञा लिख दिया और इसमें एक वचन लिख दिया तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। यानी कि एक नंबर का होता है एक पद परिचय, तो आपको इसमें आधा नंबर मिल जाएगा। यदि आप कुछ भी लिख के नहीं आए, यदि आपने एक वचन लिख दिया और पुल्लिंग लिख दिया तो भी आपको आधा नंबर मिलेगा। तो यदि आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आपके कुछ ना कुछ नंबर इसमें अवश्य आ जाते हैं। तो देखिए खाना, खाना क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्या अव्यय है, क्या है? खाना एक पदार्थ का नाम है, यानी जिसमें बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, तो ये नाम है इसलिए संज्ञा है। फिर क्या है संज्ञा के बाद? अब आ जाएंगे हम लिंग। खाना पुल्लिंग है, खाना खाता है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? खाना। अब आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि खाने की खाने रखे हैं, सभी कहते हैं खाना रखा है। यानी कि चाहे कितना ही खाना हो, यानी चाहे वो उसमें 10 तरह का भोजन हो, चाहे 15 तरह का हो, उसमें पूड़ियाँ भी, सब्जी भी, सब कुछ भी मिलाकर के हो, कितने भी तरह के उसमें व्यंजन हो, लेकिन उसके लिए शब्द एक आता है खाना, तो वो एक वचन में होता है, एक वचन। इसके बाद क्या इसमें कोई कारक है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। इसके बाद काल, कर्म कारक है इसलिए इसमें काल हम नहीं बताएंगे क्योंकि क्रिया नहीं है। अब देखिए ऊपर वाले में हमने संज्ञा का भेद भी बताया था, इसमें हमने अभी संज्ञा का भेद हमने अब यहां बीच में नहीं लिखा है, यहां लिख देंगे उसको। खाना कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्यों है? कई किताबों में द्रव्यवाचक संज्ञा अलग से होती है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इसको लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा शब्द का पद परिचय हो गया खाना। अब देखिए खाता है, अब हम इसको भी ले लेते हैं। एक ही वाक्य में से तीन पदों के पद परिचय हो जाएंगे। तीसरा हमारा खाता है, ये देखिए। अब इसमें खाता है, अब इन पांच में से छांटेंगे, इन पांच में से ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, क्या है ये? खाता है, क्रिया है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले क्रिया, इसके बाद क्रिया के बाद हम सीधे कहां पर आ जाएंगे? नंबर छह पर। लिंग कौन सा है? खाता है, खाता है पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी उसकी पुल्लिंग। यानी कि जिस लिंग और वचन,
जिस लिंग और वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी लिंग और वचन की आती है। तो पुल्लिंग हो गए और वचन कौन सा है, राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। एक वचन अब क्या रह गया, कारक। कारक कौन सा है, इसमें कोई कारक क्रिया में नहीं होता। काल, काल बताएंगे क्रिया कब घटित हुई है, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, कब हुई है, खाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से ये पद परिचय करना हमने आपको सिखाया है। अब बात आती है कि कैसे ध्यान रखा जाए और कैसे पहचान की जाए परीक्षा के समय में कि ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द इनमें से किस किस प्रकार का है। तो इसके लिए आपको इन सब का पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि हम यदि इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इन सभी का हम अलग से वीडियो आपको बनाकर देंगे, आप उसमें देख सकते हैं, या आप पहले से इन्हें जानते हैं तो आप एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं, जिससे कि आप उसे अच्छी तरह से सीख पाएं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं